Hey guys, what's up? This is Shivani from eGadgets for you. दोस्तों, we are at the end of business end in 2018. हाँ दोस्तों, लगभग दिसंबर शुरू होने जा रहा है. अब जाके Huawei ने अपना प्रीमियम फ्लैगशिप फोन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर एंड द कमिंग ईयर लॉन्च किया है इंडिया में, द Huawei P20 Pro. दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि सही मायने में यह हेड फ्लैगशिप है कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी टारगेट कर रहा है, मतलब ये कंपटीटर बनने जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 आईफोन एक्सेस मैक्स के लिए. सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि Huawei का सबसे टॉप चिपसेट जो कि 7 नैनोमीटर के ऊपर बिल्ड किया गया है, Kirin 980 का एसओसी के ऊपर बेस किया हुआ है ये पर्टिकुलर हैंडसेट, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि बहुत ही बेहतरीन चिपसेट है. ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत बेहतरीन होता है ये पर्टिकुलर चिपसेट में, एंड ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो Kirin का जो चिपसेट होता है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है Huawei और Honor की हैंडसेट्स में. अब दोस्तों, Huawei Mate P20 Pro, इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले प्राइसिंग को लिपटा लेते हैं. 6GB 128GB जो कि बेस वेरिएंट बनने जा रहा है, उसका प्राइसिंग है 69,990 rupees. एंड ऑब्वियसली एक बंडल ऑफर आने वाला है ये पर्टिकुलर हैंडसेट के साथ. ये अकॉर्डिंग टू दिस बंडल ऑफर आपको Sennheiser का PXE550 वायरलेस हेडफोन्स भी मिल जाएगा विथ अ टोटल प्राइस ऑफ 71,990 rupees. ये बंडल ऑफर के साथ, या फिर अगर आप ओनली हैंडसेट लेना चाहते हो, ये दोनों ही ऑफर आपको एक्सक्लूसिवली मिल जाएगा Amazon से. प्राइम मेंबर्स के लिए 3 दिसंबर से ये सेल है, एंड फॉर नॉन प्राइम मेंबर्स या फॉर ऑल प्राइम मेंबर्स ये सेल अवेल होगा 4 दिसंबर से. स्टार्टिंग फ्रॉम 10 दिसंबर क्रोमा स्टोर्स में से भी आप ऑफलाइन मोड से ये हैंडसेट खरीद सकते हो. अब दोस्तों, ये देखना पड़ेगा कि सही महीने में ये फ्लैगशिप फोन है कि नहीं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर फोन की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर. दोस्तों, ये जो फोन है ऑब्वियसली मिडल बिल्ड है, एंड सामने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है. पीछे जो है दोस्तों, एक नया टेक्नोलॉजी के ऊपर ये आया है. ऑब्वियसली यहाँ पे बोल रहा है कि हाइपर ऑप्टिकल पैटर्न टेक्सचर ग्लास पैक पीछे दे गया है, जिससे ये बेटर ग्रिप होता है ताकि वो स्लिप ना करे. एंड जो सबसे यूनिक खासियत फीचर ये पर्टिकुलर फोन की, वो है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप जो कि पीछे है. दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये हैंडसेट EMIUI 9 एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर बेस किया हुआ है. डुअल हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें आएगा. 6.39 इंच का स्क्रीन साइज है. ऑप्टिकल एलईडी डिस्प्ले है क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ. 1440x3120 पिक्सल रेजोल्यूशन है. 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा आपको, एंड 86.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा. अंडर द हुड आपको Kirin 980 ऑक्टाकोर चिपसेट पेयर्ड विद Mali G76 MP10 GPU मिल जाएगा. 6GB और 8GB रैम ऑप्शंस में ये आएगा. इंटरनल मेमोरी का वेरिएशन 128GB 256GB का होगा, और नैनो मेमोरी कार्ड जो कि प्रोप्राइटरी Huawei का ही है, वो आपको 256GB तक सपोर्ट दे देगा हाइब्रिड स्लॉट में. अब बात करते हैं दोस्तों कैमरास के ऊपर. ऑब्वियसली पीछे जो है वो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है P20 Pro में, जिसमें प्राइमरी कैमरा जो है वो 40 megapixel का है विद अ वाइड एंगल लेंस एंड फोकल अपर्चर ऑफ 1.8. 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है जिसका फोकल अपर्चर 1.2 है, और थर्ड कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का 3x फोटो टेलीफोटो लेंस है विद अ फोकल अपर्चर 2.4. ये पर्टिकुलर कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ आएगा, और सुपर एचडीआर फीचर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्ट्रेट शॉट्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिनेमा मोड भी आपको मिल जाएगा, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वीडियो एडिटर्स भी आपको मिल जाएगा. सामने आपको 24 मेगापिक्सल का RGB सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जहां पे 3D डेप्थ सेंसिंग कैमरा की सपोर्ट है सामने की कैमरे में, एंड ये 3D फेशियल रिकॉग्निशन करता है आपको, जो कि 30,000 रिकॉग्निशन पॉइंट्स आपके फेस को देखता है, उसके बाद ये अनलॉक करता है, तो ये सेफ भी है. एंड ऑब्वियसली एंड स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स मिल जाएगा ये पर्टिकुलर हैंडसेट में. 4200 mAh बैटरी मिल जाएगा, और जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा अप टू 40 वाट ऑफ चार्जर, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा. सिर्फ ये नहीं, इस पर्टिकुलर हैंडसेट में आपको 15 वाट का फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, और दुनिया का पहले वायरलेस रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी स्मार्टफोन पे आपको मिल जाएगा. दोस्तों, टाइप सी पोर्ट में ये आता है, एंड इसका वेट अप्रॉक्सिमेटली 189 grams है. अब दोस्तों, ये तो सारे हो गए स्पेसिफिकेशंस के ऊपर. जैसे कि आप देख सकते हो पेन एंड पेपर में ये बहुत ही पर्टिकुलरली
बहुत ही लोडेड हैंडसेट है एंड बहुत सारे फीचर्स है। किरिन प्रोसेसर की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो बहुत बेहतरीन प्रोसेसर भी ये होता है। ऑब्वियसली ये बहुत ही कमाल के हैंडसेट है दोस्तों। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स है ये हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूआई इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, क्योंकि पीछे हम लोग देखे हैं कि जहाँ जिस जिस हैंडसेट में वो ग्लास कोटिंग रहता है पीछे या फिर ग्लास प्रोटेक्शन कवर्स रहता है तो वो थोड़ा स्लिपरी होता है या फिंगर मैग्नेट होता है। तो इसमें ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी है जहाँ पर वो स्लिपरी नहीं होगा, फिंगर मैग्नेट नहीं होगा, इजी टू होल्ड इन योर हैंड्स होगा। और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बनते जा रहा है स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी है। हाँ दोस्तों, इसमें नॉच जरूर आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर हैंडसेट में, लेकिन फिर भी वो तो आप डिसेबल भी कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो, पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर जाता है। अगर देखें फ्लैगशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली ये बेहतरीन हैंडसेट है। क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले है जो कि कमाल की डिस्प्ले होने जा रहा है ये पर्टिकुलर हैंडसेट में। सही महीने में ये फ्लैगशिप हैंडसेट ही है। एंड ऑब्वियसली अगर कंपेयर करें नोट 9 के साथ तो ऑब्वियसली स्टाइलस पेन को छोड़कर बाकी सारे मामले में पेन एंड पेपर्स में तो ऑब्वियसली बीट कर रहा है नोट 9 को अभी के लिए। लेकिन दोस्तों ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं ब्रांड वैल्यू, मतलब सैमसंग और यहाँ पे UI, जो कि ऑब्वियसली एक ब्रांड वैल्यू है UI का, लेकिन अभी तक उतना सारे वो ग्रिप आया नहीं है इंडिया में। लेकिन हाँ, बहुत बेहतरीन हैंडसेट प्रोवाइड कर रहा है UI और ऑनर्स में से, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर उसको देखें, उस ट्रेडमार्क को देखें, तो ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि ये फ्लैगशिप फोन्स बेहतरीन फोन होगा। लेकिन अगर कंप्लेंट्स की बात करिए पर्टिकुलर हैंडसेट में, ऑब्वियसली एक कंप्लेंट तो है दोस्तों, वो है प्राइसिंग। पता नहीं ये इन्फ्लुएंस हो सकता है सैमसंग की, इन्फ्लुएंस हो सकता है पिक्सल की, इन्फ्लुएंस हो सकता है एप्पल की, जहाँ पे जाके, क्योंकि फ्लैगशिप फोन से बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, इसका प्राइस बड़ा चढ़ा के वहाँ पे रख दिया है दोस्तों। बहुत ही हैवी प्राइसिंग है। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन है तो मैं डाउट करता हूँ कि अगर फ्लैगशिप फोन लेना है ये प्राइसिंग में, हो सकता है कि यूजर्स का इंक्लिनेशन शायद नोट 9 या फिर एप्पल की तरफ भी चला जाए। लेकिन दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि डेडिकेटेड UI के बायर्स हैं, वो ऑब्वियसली ये फ्लैगशिप फोन ले सकता है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि इसका प्राइसिंग जो है वो हेवी है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस जो है वो जस्टिफाइड थोड़ा बहुत करता है। लेकिन हाँ, अगर इंडियन मार्केट को देखें तो थोड़ा बहुत प्राइसिंग अगर डाउन में रखता तो शायद ये बात बन जाता फ्लैगशिप में। अगर आपको पसंद आया मेरे वीडियो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं मेरे चैनल पे। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। सो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।